इंडिया न्यूज पर खबर की खबर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चुनावी जनसभा को बनाया जंग का अखाड़ा। कर्नाटक के मंत्री का बीच सड़क पर नागिन डांस और जेल से लालू का इमोशनल लेटर। खबरें और भी, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के जलगांव में चुनावी मंच बना लड़ाई का अखाड़ा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई जमकर मारपीट। चुनाव का ये मंच जंग का मैदान बन गया है। कोई जूते निकाल कर मार रहा है तो किसी ने पैर को अपना हथियार बना लिया है। किसी को स्टेज पर गिरा कर पीटा जा रहा है तो किसी को मंच से फेंका जा रहा है। हार जीत की लड़ाई में कोई पीछे नहीं है। पूरी ताकत से जो आजमाइश की जा रही है। हालात संभालने में पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। तस्वीर महाराष्ट्र के जलगांव से आई है। बीजेपी के दो मंत्री गिरीश महाजन और गुलाब पाटिल भी मौजूद थे। इस बीच पूर्व विधायक बीएस पाटिल और बीजेपी के जिलाध्यक्ष उदय वाघ के समर्थकों के बीच बहस हुई। बवाल इतना बड़ा कि हालात बेकाबू हो गए। बीच बचाव के लिए मंत्री गिरीश महाजन आगे आए, लेकिन बेकाबू कार्यकर्ताओं के बीच खुद भी मंच पर गिर गए। फिर जैसे तैसे हालात को काबू किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की लड़ाई का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद प्रदेश बीजेपी को जवाब देते नहीं बन रहा। लोकसभा चुनाव के बीच नेताओं के दिख रहे हैं अजब गजब रंग। कर्नाटक के आवास मंत्री एमटीबी नागराज ने किया नागिन डांस। सफेद कुर्ते में दिख रहे जनाब कर्नाटक सरकार के आवास मंत्री हैं। नाम है एमटीबी नागराज। बीच सड़क पर हाथ घुमा घुमा कर नागिन डांस कर रहे हैं। समर्थक भी मंत्री जी के साथ झूम झूम कर नाच रहे हैं। मंत्री को नाचते देखते लोगों का हुजूम भी लग गया। कोई घरों की छतों तो कोई दुकानों से नेताजी के नागिन डांस को देख रहा था। तस्वीरें कर्नाटक के चिकबल्लापुर लोकसभा क्षेत्र की हैं। कर्नाटक के मंत्री चुनाव प्रचार के लिए आए तो भीड़ जुटाने के लिए नागिन डांस करने लगे। चिकबल्लापुर से वीरप्पा मोइली कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। मंत्री जी की पूरी कवायद मोइली के पक्ष में जनता को करने की थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में भी कल मतदान है, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं। लोकसभा के पहले चरण का चुनाव है। चुनाव के पहले नागपुर में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और इस वक्त हमारे साथ नागपुर के पुलिस कमिश्नर भूषण कुमार उपाध्याय साहब मौजूद हैं, जो बताएंगे किस तरीके से यहां पर तमाम ऐसी तैयारियां की गई हैं जिससे कि अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो जाए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो, ताकि मतदाता जो है वह अच्छे से जाकर वोट कर सके, कोई ऐसी पैनिक ना हो। सर, स्वागत है इंडिया न्यूज में। क्या कहेंगे, किस तरीके की तैयारी नागपुर की खास तौर से की गई है ताकि चुनाव अच्छे से हो सके? देखिए, हमने काफी इलोबरेट इंतजाम किया है। सबसे पहले है कि बूथ पे जो बंदोबस्त है उसको हमने काफी प्लान किया हुआ है। 100 मीटर के बाहर लोग रहे उसके लिए व्यवस्था की है। इसके अलावा हमने 10-10, 12-12 बूथ का एक सेक्टर पेट्रोलिंग बनाया है। वहां पे हमारे पुलिस ऑफिसर आएंगे और 10-12 मिनट में हर एक बूथ को विजिट करेंगे। इसके अलावा हमारे को जो सीआईएसएफ की कंपनी मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट से, एसआरपी की दो कंपनी मिली है, उसको हमने क्रिटिकल बूथ पे लगाया है। टोटल पूरे नागपुर शहर में अलग अलग बंदोबस्त के लिए, इलेक्शन बंदोबस्त के लिए 6000
पुलिस कर्मचारी लगे हुए हैं, 500 ऑफिसर लगे हुए हैं, 3 कंपनी लगी हुई है, 1500 होमगार्ड लगे हुए हैं। इसके अलावा हर एक पुलिस स्टेशन में 6 गाड़ियां दी हुई हैं, वो गाड़ियां पूरे एरिया में पेट्रोलिंग करेंगी। 3 दिन कहीं पे भी दारू न बिके इसकी हम खबरदारी ले रहे हैं। जो ऑफेंडर्स हैं हमने 27 लोगों पर कार्रवाई की है, प्रतिबंध कार्रवाई की है, प्रिवेंटिव एक्शन लिया है, उन पर हम नजर भी रख रहे हैं। तो इस तरह पूरी तरह से हमने इंतजाम किया है, हमने अपने अधिकारी कर्मचारी की ट्रेनिंग ली है, उनको ब्रीफिंग की है, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं इलेक्शन के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन पूरी तरह से पीसफुल वे में होगा, फ्री फेयर होगा और एक अच्छा मैसेज यहां से नागपुर से सबको जाएगा। कई जगहों पर क्या कुछ सेंसिटिव एरिया बहुत सारी होती है, नागपुर में से कितनी सेंसिटिव एरिया है जिसको आप लोग ज्यादा ध्यान रखेंगे ताकि कहीं वहां पर गड़बड़ी ना हो? देखिए, हमारे यहां क्रिटिकल बूथ 52 है, लेकिन वो क्रिटिकल बूथ ऐसे हैं जो टेक्निकल कारण से हैं, जैसे कहीं पे वोटर आईडी कार्ड नहीं है किसी को उस बूथ पे, तो उसको क्रिटिकल डिक्लेयर किया हुआ है, या मिसिंग फैमिली लिंक है। इसके अलावा हमारे यहाँ 27 ऐसे स्पॉट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वहां पे हमने एसआरपी और सीआईएसपी कंपनी लगाई है, हमारे लोग हैं। चारा घोटाले में लालू की जमानत याचिका खारिज, लालू ने जेल से समर्थकों को लिखी चिट्ठी, लिखा संविधान और आरक्षण बचाने के लिए मोदी को खदेड़ना है जरूरी। सर्वोच्च अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इमोशनल ट्वीट किया। लालू प्रसाद ने चुनाव के वक्त बिहार की जनता के बीच नहीं होने पर अफसोस जताया। जेल से ही सूबे के लोगों से पीएम मोदी को सत्ता से बाहर करने की अपील भी कर डाली। आरजेडी सुप्रीमो ने ट्वीट के साथ एक लेटर साझा किया। मेरे प्यारे बिहार वासियों, इस वक्त जब बिहार एक नया गाथा लिखने जा रहा है, लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, यहाँ रांची के अस्पताल में अकेले बैठकर सोच रहा हूँ कि क्या विध्वंसकारी शक्तियाँ मुझे इस तरह कैद करा के बिहार में फिर किसी षड्यंत्र की पटकथा लिखने में सफल हो पाएंगी। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू ने फिर खुद को पाक साफ बताया। मेरे गले में सरकार और चालबाजों का फंदा कसा हुआ है, उम्र के साथ शरीर साथ नहीं दे रहा, पर आन और आबरू की लड़ाई में लालू की ललकार हमेशा रहेगी। लालू ने चिट्ठी के जरिए पीएम मोदी को हटाने की भी हुंकार भर दी। आरक्षण और संविधान विरोधी नरेंद्र मोदी को खदेड़ने की लड़ाई में करो या मरो वाले जज्बे की जरूरत है। लालू यादव ने मेडिकल ग्राउंड पर सर्वोच्च अदालत से जमानत की गुहार लगाई थी, जिसका सीबीआई ने विरोध किया। दलील दी कि लालू हेल्थ ग्राउंड की आड़ में लोकसभा चुनाव के लिए बेल मांग रहे हैं। आरजेडी की स्थापना के बाद ये पहला चुनाव है जिसमें लालू प्रसाद यादव शामिल नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायनाड के बाद आज अमेठी से भी लोकसभा के लिए पर्चा भरा। पर्चा भरने से पहले एक बड़ा रोड शो किया और शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के रोड शो में पूरा गांधी परिवार मौजूद रहा। बहन प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल के भांजा भांजी भी मौजूद रहे। एक तरफ राहुल रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, तो गाड़ी में सवार होकर पूरा परिवार कांग्रेस अध्यक्ष की हौसला अफजाई कर रहा था। सड़कों के दोनों ओर समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ था। घरों की छतों से भी लोग राहुल पर फूलों की बारिश कर रहे थे। रोड शो खत्म होने के बाद राहुल अमेठी से पर्चा दाखिल करने के लिए जिला कलेक्टरेट ऑफिस पहुंचे। नॉमिनेशन के वक्त प्रियंका के अलावा मां सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। 3 बार से अमेठी से सांसद रहे राहुल को चुनौती पहले से कहीं ज्यादा है। बीजेपी की स्मृति ईरानी यहां पहले के मुकाबले और ज्यादा हमलावर हो गई हैं। अपनी परंपरागत सीट अमेठी से पहले राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से पर्चा दाखिल कर चुके हैं। राहुल ने 4 अप्रैल को वायनाड सीट के लिए नॉमिनेशन किया था। लोकसभा चुनाव से एक दिन पहले
राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, केंद्र की आपत्ति खारिज की और पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार। लोकसभा चुनाव के बीच राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने और गर्माहट ला दी। सर्वोच्च अदालत की 3 जजों की बेंच दोबारा सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने केंद्र सरकार ने इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 123 का हवाला दिया, जिसमें विशेष अधिकार वाले दस्तावेजों के आधार पर पुनर्विचार याचिका का विरोध किया गया, लेकिन अदालत ने ये दलील ठुकरा दी और याचिकाकर्ता यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और प्रशांत भूषण की अर्जी मंजूर कर ली। पिटीशन के बाद अब क्या दिक्कतें होगी, क्योंकि राफेल डील को लेकर जिस तरीके से सरकार मुद्दा बना रही थी उसके बाद अभी कितना बड़ा सेटबैक है सरकार के? सर वो मैं तो उस सरकार के बारे में जानता नहीं, वो तो झूठ बनाते हैं, कोई इसको भी कुछ और बना लेंगे, तो वो तो मैं नहीं कह सकता उसके बारे में। मगर जर्नलिज्म के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए, हमारी पिटीशन के लिए ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जजमेंट है। तीनों याचिकाकर्ताओं ने गोपनीय दस्तावेजों को ही आधार बनाकर पुनर्विचार याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने भी सबूत के तौर पर माना था और फिर से सुनवाई के लिए तैयार हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 के फैसले में राफेल डील को तय प्रक्रिया के तहत बताया था। उस दौरान अदालत ने राफेल डील को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीएम मोदी पर और हमलावर हुए राहुल गांधी, कहा सुप्रीम कोर्ट ने माना चौकीदार चोर है। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने राहुल गांधी के हमले की धार को और तेज कर दिया। पीएम मोदी को फिर 15 मिनट बहस करने की उन्होंने चुनौती दे दी। राहुल यही नहीं रुके, कहा पीएम राफेल पर बेनकाब हो गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि राफेल मामले में कोई ना कोई करप्शन, कोई ना कोई भ्रष्टाचार हुआ है। और जैसे मैं पहले से कह रहा हूं, अगर राफेल मामले पे इन्वेस्टिगेशन होगा तो दो नाम है भाइयों और बहनों, दो नाम है, नरेंद्र मोदी जी और अनिल अंबानी जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मैं महीनों से कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने एयरफोर्स का पैसा चोरी करके अनिल अंबानी जी को दिया है, 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं, उस बात को आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। आम आदमी पार्टी और बीएसपी भी हमले में पीछे नहीं रही। केजरीवाल ने पीएम पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगा दिया, वहीं मायावती ने पीएम और रक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग लिया। राफेल पर घिरी मोदी सरकार के बचाव में रक्षा मंत्री सामने आ गए। चौकीदार चोर है, चौकीदार अनिल अंबानी को इतना पैसा देने का मान लिया है, दिस वर्ज ऑन कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट। द कोर्ट टुडे has not said any such a thing. आपने देखा होगा कि बड़े शातिर जो जेब कतरे होते हैं ना, उनकी बड़ी विशेषता होती है। वो जो शातिर जेब कतरे क्या करते हैं, मान लीजिए बस के अंदर किसी का जेब काटा या मेले के अंदर किसी का जेब काट के बटवा मार लिया और पब्लिक को पता चल जाए, पब्लिक दौड़ती है चोर 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 कर गए, तो जो बटवा मारने वाला है शातिर चोर है वो भी दौड़ता है चोर 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 चोर। और इसलिए ये 40-50-100 लोगों की भीड़ भी कंफ्यूज हो जाती है कि यार कौन चोर होगा, क्योंकि भीड़ में चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। ऐसा खेल तारीख करते हैं जी।
राफेल को पहले से ही चुनावी मुद्दा बनाई कांग्रेस को बड़ा सियासी हथियार दे दिया है, वहीं बीजेपी बैकफुट पर आ सकती है।